टेलीकॉम सेक्टर में इन दिनों जियो और एयरटेल के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। हालांकि अभी जियो का पलड़ा भारी दिख रहा है। जियो मार्केट शेयर के मामले में लीडर है, लेकिन अब जियो की बादशाहत को एयरटेल से कड़ी चुनौती मिल रही है। दूसरी तिमाही में टेलीकॉम इंडस्ट्री की आय में 16% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। सितंबर तिमाही में टेलीकॉम इंडस्ट्री का कुल ग्रॉस रेवेन्यू 54,300 करोड़ रुपए रहा। दूसरी तिमाही में एयरटेल का रेवेन्यू मार्केट शेयर सबसे ज्यादा बढ़ा है। दूसरी तिमाही में एयरटेल का रेवेन्यू मार्केट शेयर 83 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी के साथ 36.3% रहा, जबकि जियो का रेवेन्यू मार्केट शेयर दूसरी तिमाही में 56 बेसिस पॉइंट बढ़कर 41.4% पर है। दूसरी तिमाही में वोडाफोन आइडिया का रेवेन्यू मार्केट शेयर में गिरावट आई है। वहीं वोडाफोन आइडिया का रेवेन्यू मार्केट शेयर 20 बेसिस पॉइंट गिरकर 9.7% पर आ गया है। भले ही कुल रेवेन्यू मार्केट शेयर में जियो की हिस्सेदारी ज्यादा है, लेकिन सितंबर तिमाही में रेवेन्यू मार्केट शेयर में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी एयरटेल की हुई है। रेवेन्यू मार्केट शेयर का मतलब टेलीकॉम इंडस्ट्री की कुल आय में कंपनियों की हिस्सेदारी से है। बताया जा रहा है कि एयरटेल शहरों में अच्छी ग्रोथ और डेटा खपत बढ़ने से एयरटेल जियो को पीछे छोड़ने में कामयाब रही है। ICICI डायरेक्ट के मुताबिक एयरटेल को मेट्रो और ए कैटेगरी के सर्किल में अच्छे प्रदर्शन का फायदा मिल रहा है। इसके अलावा एयरटेल के पोस्टपेड सब्सक्राइबर्स और डेटा खपत के अच्छे मोनेटाइजेशन का भी इसको फायदा मिल रहा है। जियो के सब्सक्राइबर्स की संख्या जरूर बढ़ी है, लेकिन दिल्ली, तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कंपनी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। वहीं 8 सर्किल में जियो का मार्केट शेयर घटने से भी रेवेन्यू में कमी देखी जा रही है। टेलीकॉम एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि 5G के आने से जियो और एयरटेल दोनों का मार्केट शेयर बढ़ा है। जेफरीज के अनुमान है कि टेलीकॉम सेक्टर की आय कारोबारी साल 2025 तक 13% बढ़त के साथ $35 अरब तक पहुंच सकती है। साथ ही एयरटेल और जियो को 5G में निवेश के बाद टैरिफ में बढ़ोतरी और बाजार हिस्सेदारी बढ़ने का भी फायदा मिलेगा। दूसरी तिमाही के दौरान टेलीकॉम कंपनियों की कुल आय में बढ़त का 85% हिस्सा भारती और जियो का रहा है और 5G को लेकर निवेश से आगे और फायदा मिलने की उम्मीद है।